नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं माम बी न्यूज। अभी मैं हूं झारखंड के चतरा जिले के इटखोरी में। आपको बता दूं, लगन का समय चल रहा है और दूल्हे राजा थार पे, स्विफ्ट पे, डिजायर पर और बड़े बड़े गाड़ियों पर आजकल सवारी करते रहे, लेकिन आज इटखोरी में एक ऐसी सवारी आई है जो शादी में खूब चर्चा में चल रही है। देख सकते हैं घोड़े की सवारी, यहाँ सामने घोड़े की सवारी आई हुई है और इस पर बैठकर आप जा सकते हैं। ये पूरे इलेक्ट्रॉनिक बनाई गई है, इतनी खूबसूरत सजाई गई है इस दुल्हन की तरह कि इस पर सवार होकर दूल्हा बारात जाएगा और उसके दोस्त यार झूमते नाचते गाते जाएंगे। मैं इसकी सवारी कर दिखाऊंगा अभी आप सबों को और इनके मालिक से जानने की कोशिश करूंगा कि इसका क्या कीमत लिया जाएगा अगर जो बारात के लिए दूल्हे राजा इस पे सवार होंगे, वो सब जानकारी आपको दूंगा। अभी हमारे साथ मालिक है इस गाड़ी के, इस वाहन के, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? नाम मेरा मुकेश कुमार यादव हुआ। ये इटखोरी में पहला ये गाड़ी देखने को मिल रहा है? जी सर, ये तो इटखोरी में पहला गाड़ी आया, पहला गाड़ी है। क्या क्या रेट है लेते हैं एक बारात घुमाने का? जैसे एक बारात में घुमाने का, जैसे इसमें रोड लाइट छतरी हो गया और रथ के साथ में लीजिएगा तो 20,000 रुपया लगता है, प्लस आप दूरी जितना दूरी तय करेंगे उस हिसाब से डीजल देना होगा। और सिर्फ इस गाड़ी को करेंगे तो क्या रेट? इस गाड़ी के सिर्फ कीजिएगा तो कम से कम 15,000 रुपया लगेगा। एक चीज हम जानना चाहेंगे, सिर्फ दूल्हे राजा के लिए है या कुछ और काम में यूज आता है? दूल्हे राजा पूजा हो गया, रामनवमी हो गया और गांव भरमन पूजा हो गया, ये सब सारा जितना भी पूजा पाठ कार्यक्रम होते हैं वो सब सारा चीज में जाएंगे। कहीं ना कहीं ये इटखोरी के लिए एक नई चीज है। अभी लगन का वक्त चल रहा है और लोग इस सवारी का लुत्फ उठाने के लिए तैयार हो जाएंगे क्योंकि ये बहुत खूबसूरत बनाया गया है। मैं एक एक चीज को आप सभी को दिखाने की कोशिश करूंगा। पहले आप देख सकते हैं इसे बहुत खूबसूरत बनाया गया है। पहले के जमाने में लोग ओरिजिनल घोड़े का सवारी करते थे, लेकिन अभी घोड़े को रखना बहुत महंगा हो गया है, इसीलिए लोग आर्टिफिशियल रूप में इसे दिखाते हैं। देख सकते हैं चार घोड़े की रूप में यहाँ बनाया गया, रथ काफी खूबसूरत जगमगाते लाइटों के बीच ये बनाया गया है, बहुत खूबसूरत है। मैं पूरे आगे तक चल के आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये रथ देख सकते हैं, मैं थोड़ा कैमरे को नीचे करूंगा। रथ में जिस तरह चक्का लगा हुआ रहता है, पुराने जमाने में उस तरह चक्का लगा हुआ और बहुत खूबसूरत सजाया गया रथ। यहाँ मोर बनाया गया, मोर का डिजाइन बनाया गया जो कि काफी खूबसूरत है। और यहाँ पे आप सभी को सबसे पहले चीज मैं कैमरे को इधर करने के लिए कहूंगा कि आप जब भी कांटेक्ट करना चाहते हैं, देख सकते हैं यह कांटेक्ट नंबर मुकेश लाइट एंड साउंड सर्विस लिखा हुआ है और इटखोरी चतरा झारखंड, हमारे यहाँ छतरी रोड लाइट साउंड व टेंट के लिए संपर्क करें। और मुकेश कुमार यादव का ये है और इनका नंबर लिखा हुआ है 62031-63570, ये इनका पहला नंबर है, और 62-71-34-17-37 ये इनका दूसरा कॉन्टेक्ट नंबर है। तो आप जब भी चाहते हैं कि इनके ये शानदार ये शौकत की सवारी आप करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे और अपने घर के दूल्हे के लिए ये सवारी को, अपने पूजे के लिए, रामनवमी के लिए इन्हें बुक करना चाहते हैं तो इनसे बात कर सकते हैं। अब थोड़ा सा इनकी सवारी करके हम लोग देखेंगे कि आखिर कैसा लगता है इसकी सवारी करना। बैठेंगे किधर से मुकेश जी, ये हमें बताएं। आप देख सकते हैं कि एकदम गेट बना हुआ है खूबसूरत इस पे सवारी करने के लिए। इस पे हम बैठेंगे पहले और सवारी का मजा लेंगे, क्या कैसा लगता है। आइए आप भी कैमरा लेके सामने आ जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से एकदम आलीशान बनाया गया है ताज, और उसके ऊपर छत्र लगाया गया है राजा महाराजा की तरह। थोड़ा सा हम गाड़ी को चलाने के लिए बोलेंगे कि कैसा लगता है इसमें चल के, फील करके आप सभी को बताएंगे। देख सकते हैं वाहन चालू हो चुका है, ये आलीशान सवारी चालू हो चुकी है और हम इनका सफर कर रहे हैं और बहुत खूबसूरत है। सच बताते हैं कि अभी कहीं भी आप जाना चाहते हैं, आप बाराती जाना चाहते हैं, घर में पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो इसकी सवारी करें और बहुत खूबसूरत चीज है ये। ये नया है इटखोरी में और इटखोरी के लिए नया चीज आया हुआ है। इटखोरी प्रखंड के जितने भी गाँव है ये लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मुकेश जी से आप संपर्क कर सकते हैं और मुकेश जी आपके घरों तक ये सुविधा पहुंचाएंगे। और बता देते हैं अभी अगर आप बड़े बड़ी गाड़ियां करते हैं अपने शादी में तो 10-15,000 लगेगा ही लगेगा। तो ये खूबसूरत सवारी जो पूरे बारात का, मतलब साराती के पूरे लोगों को मन मोहित करने वाला ये वाहन है, तो कहीं ना कहीं आप अपने बाराती में जरूर मुकेश जी को याद करें और इस सवारी का मजा ले। कैसा लगा ये सवारी जरूर बताइएगा। मैं हूँ रवि कुमार और आप देख रहे हैं माम बी न्यूज। धन्यवाद।